वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और पंजाबी यूनिवर्सिटी की दो तीन महत्वपूर्ण जानकारी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, रिजल्ट्स और रिवेल्यूशन के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपकी कोई समस्या है तो आपके साथ वो डिस्कस की जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं, ये आपका अपना चैनल एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की पटियाला की एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की जो पिछला लेटर आपको मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार यूनिवर्सिटी ने जारी किया है लेटर कि जो कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने लेवल पर ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगा। पहले ऐसा होता था कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके एक सेंटर बना दिया जाता था, वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल किसी सेंटर के अंदर लिए जाते थे, लेकिन इस वर्ष जो है थोड़ा सा तब्दीली है एग्ज़ामिनेशन के अंदर, और स्पेशली उन्होंने ये बात रखी है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रैक्टिकल के वो आपके कॉलेज लेवल पर ही लिए जाएंगे। और इसके लिए यूनिवर्सिटी ने लेटर जारी कर दिया है और आपके एग्ज़ाम जो हैं उन्होंने कोशिश ये रखी है 15 अप्रैल से स्टार्ट करके लगभग 20-25 अप्रैल तक इसको ख़त्म कर दिया है, ये जाए यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जानकार हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले हैं और उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कृपा करके अपने डिस्टेंस एजुकेशन साइट पे जाएं और वहाँ पर ये ज़रूर चेक करें कि उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट्स क्या हैं। ऐसा ना हो कि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स निकल जाएं, और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स अगर निकल जाते हैं और आप किसी कारणवश दे नहीं पाते तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी री अपीयर आ जाती है, जिसको एग्ज़ाम्स को दोबारा क्लियर करने में बड़ी कठिनाई आती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने साइट पर जाएँ डिस्टेंस एजुकेशन वाले में और वहाँ लगातार संपर्क बनाए रखें और चेक करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास मैसेजेस कम पहुँचते हैं और इसीलिए हमने वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं कि आप तक पूरी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो में आगे जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से सुनने वाली बात है कि विश्वसनीय स्रोतों के हवाले से यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, और क्योंकि बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर हमारे पेपर्स कब होने हैं, तो यही बात समझ आ रही है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 मई के आसपास होने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। और एक ऑफिशियल लेटर भी इशू कर दिया गया है जो कि अभी साइट पे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास और आपके कई सारे डिपार्टमेंट्स के पास ये पहुंच चुका है, कॉलेजेस को लिख चुके हैं कि अपनी जो तैयारी है पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की वो पूरी तरीके से रखें, जिससे कि जो पेपर्स हैं यूजी और पीजी के वो 15 मई के आसपास स्टार्ट की जाए। और लगभग एक महीने के करीब पेपर आपके चलेंगे 15 अप्रैल से, जैसे कि प्रैक्टिकल की अपडेट है, और उसके बाद हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम्स की जो बातचीत बता रहे हैं 15 मई के आसपास है। और जैसे कि आज की वीडियो में, मेरी पुरानी वीडियो में देखी आपने कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपनी जो डेट शीट्स हैं वो जारी कर दी है, और उनके जो एग्ज़ाम्स हैं 5 और 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग जून के महीने तक एंड तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपके भी यूनिवर्सिटीज़ की जो है डेट शीट बड़ी जल्दी आपके पास आ जाएगी, और जैसे ही डेट शीट डलेगी तो तुरंत आपको मैं अपडेट दे दूँगा इसी तरीके से। और अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। काफ़ी बच्चे लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रिवेल्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आएंगे, क्या आएगा, क्या बातचीत है। तो आपके रिवेल्यूशन के भी रिजल्ट्स जो हैं लगातार आ रहे हैं, और आप इसको जाके चेक कर सकते हैं रिजल्ट डिपार्टमेंट के अंदर। मैं यही आग्रह करूँगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी लेट फी के साथ 20,000 रुपये रह गई है। तो अगर बाई चांस आपका रीअपियर में, जैसे आपकी कहीं रीअपियर और आपने रिवेल्यूशन भरा है वो अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको फिर फॉर्म भरने होंगे, अदरवाइज़ आपका जो है एग्ज़ाम्स मिस हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ और अपडेट्स के साथ आप देख पा रहे हैं आपका अपना चैनल है एजुकेट चैनल, और मैं आशा करता हूं कि आप तक पूरी न्यूज़ जो है पूरी अच्छी तरह पहुँचा पा रहे हैं, और आप चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को बस से बस शेयर करें और इसी तरीके से हमारे अपडेट्स को पाते रहे। शुभरात्रि के साथ, कल का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।